विमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आए दिन आते रहते हैं। रिसेंट में एक सवाल आया कि किसी ने मैं नाम नहीं लूंगी, एक्स वाई जेड का देखा कुछ और वो लगाया और उससे उनकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई, उनको बहुत पेन हुआ, जलन हुई। सो गाइज, मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी ऐसी वैसी चीज कहीं से भी देख करके ट्राई कर लो। मैं वो सारी चीजें आपको शेयर करके बताती हूँ जो मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो एक एक्सपीरियंस के बाद आप कुछ ट्राई करते हो अपने लिए, सो वो चीज काफी इफेक्टिव होती है। आज बात करते हैं कि किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो अपने अनवांटेड हेयर को। ऑल्दो इसके बारे में पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, पर क्योंकि वो कमेंट पढ़ करके मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने वो एक्स वाई जेड लगाया और उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उनकी रिक्वेस्ट पे दोबारा मैं शूट कर रही हूँ। तो अगर आप रिमूव करना चाहते हो अपने बट हेयर, वजाना के हेयर, ऑल्दो वजाना पे बाल नहीं होते हैं, बिकनी लाइन पे होते हैं, वजाना अंदर होता है जो हम देख नहीं पाते, तो लेकिन फिर भी लोग उसको वजाना बुलाते हैं। सो वजाना के हेयर, अंडर आर्म्स के हेयर और आपके जितने भी इंटीमेट बॉडी पार्ट आपको लगता है कि हेयर है और वो आप नहीं चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, में दर्द ना हो, रैशेस ना हो, इरिटेशन ना हो, स्किन काली ना पड़े, जल्दी हो जाए 5 मिनट के अंदर एंड ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। लेजर ट्रीटमेंट के लिए नहीं कह रही क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इतना आसान तरीका है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, वीडियो के एंड तक बने रहना मेरे साथ एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहते हो, उसके लिए हर लड़की का मन करता है कि वो अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट से हेयर को रिमूव कर दे, क्योंकि वो देखने में थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं। हेयर रखना ना रखना ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर आप रखना चाहते हो तो गो फॉर इट, नहीं रखना चाहते हो तो ये सोल्यूशन देख लो। आप चाहो तो ट्रिम कर सकते हो, ट्रिमिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपके जड़ से बाल नहीं जाते हैं और कट लगने का चांस बना ही रहता है, डर लगता है। तो इस डर में नहीं जीना है तो ट्रिमिंग से आगे आते हैं शेविंग पे। शेविंग भी बहुत इजी है और पूरी बॉडी के हेयर रिमूव करने के लिए मैं तो शेव कर लेती हूँ, फटाफट से हो जाता है, लेकिन इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पे शेव करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, नहीं हो पाता है हर किसी से। अगेन कट लगने के चांसेस होते हैं और शेव करने के बाद जो हेयर आते हैं ऐसा फील होता है कि उनकी ग्रोथ थोड़ी थिक है। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो वैक्सिंग पे आते हैं। वैक्सिंग बहुत आसान तरीका है लेकिन उसमें पेन बहुत होता है और वैक्स कराने के लिए आपको पार्लर, सैलून वगैरह जाना पड़ता है और इतना टाइम नहीं है। और भी अच्छा उपाय चाहते हो तो इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के हेयर रिमूव करने के लिए यू कैन यूज हेयर रिमूवल क्रीम। अब कोई भी एक्स वाई जेड क्रीम यूज करने के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें केमिकल हो सकते हैं, आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, आपको नहीं पता उसका इंग्रेडिएंट क्या है। जो मैं यूज कर रही हूँ वो नेचुरल है और मुझे उस पर ट्रस्ट है। और भाई आसान तरीका है क्या और कौन सा तरीका मैं करंटली यूज कर रही हूँ? तो पिछले कई महीनों से मैंने स्टार्ट किया, पहले मैंने खुद पे ट्राई किया, मैं सेटिस्फाइड हुई, देन मैंने सोचा आपके साथ शेयर। कुछ महीनों से मैंने यूज करना स्टार्ट किया है नम्या का हेयर रिमूवल क्रीम, स्पेशली डिजाइन है इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के लिए। मैं हमेशा से इंटीमेट हेयर रिमूवल क्रीम मना करती आई हूँ आपको यूज करने के लिए, बट ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट नेचुरल है, ये स्पेशली डिजाइंड है आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के लिए। इसको लगाने के बाद आपको कोई भी रैशेस, इरिटेशन नहीं होगा और ये केमिकल फ्री है। मैंने बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम ट्राई किए पर ट्रस्ट मी गर्ल्स, जब इसको लगाया 5 मिनट के अंदर आपके सारे बाल सफाचट हो जाते हैं। लगाना कैसे? अंडरआर्म्स की बात करते हैं, अंडरआर्म्स बहुत गंदे बाल है, सीधा उसके ऊपर ये ट्यूब लगा दो थोड़ी सी, ठीक है, 5 मिनट इंतजार करो। उसके बाद इसके साथ जो एप्लीकेटर आता है उस एप्लीकेटर से एक ऐसे हल्का सा घुमा दो एप्लीकेटर, अच्छे से सारे बाल निकल जाते हैं, एकदम स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है, मक्खन की तरह सारे आपके बाल रिमूव हो जाते हैं। इसी तरीके से आप अपने अंडर आर्म, बिकनी लाइन, बट एरिया, सारे इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के हेयर को रिमूव कर सकते हो। बहुत आसान है इसको लगाना और इसको यूज करने के बाद आपको कोई रैशेज नहीं होगा, कट्स नहीं पड़ेंगे, स्किन डार्क नहीं होगी, और इजी प्रोसेस है। एक और बात, मार्केट में जो मिलता है ना हेयर रिमूवल क्रीम, उनमें बहुत हार्श और स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जो मुझे बहुत इरिटेट करती है। मैं स्मेल सेंसिटिव हूँ, मुझे बदबू बर्दाश्त नहीं होती, इसमें से स्मेल नहीं आएगी आपको, सो ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके अंदर क्रीम के साथ आपको सीरम भी मिलता है, दिस सीरम। सो जब आपने हेयर रिमूव कर लिया तो ये सीरम आप लगा लो, ये आपके जो अगेन जो हेयर आएंगे ना उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है और स्किन को काला नहीं होने देता है। इसके अंदर विटामिन सी भी है और ये फ्री आता है, इसको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। सो व्हेन यू बाय दिस यू विल गेट दिस फॉर फ्री। जब मैंने ये स्किन पे लगाया था ना तो स्किन को एकदम सूद कर दिया था, एकदम सॉफ्ट सूद कामिंग इफेक्ट इसका आता है और इंटरनेशनल क्वालिटी है दोनों प्रोडक्ट्स की। गाइस मैं रेकमेंड करती हूँ कि हमें इंडियन ब्रांड को स्विच करना चाहिए और उनको बहुत इनकरेज करना चाहिए। सो अगर आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के अनवांटेड हेयर को जड़ से रिमूव करना चाहते हो, उनकी ग्रोथ को डिले करना चाहते हो और कोई दाग धब्बे और बदबू भी नहीं चाहते हो, सो ट्राई दिस नम्या हेयर रिमूवल क्रीम। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इफेक्टिव, ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूं।
यू, आई यूज दिस, आई ट्राई दिस एंड आई लव्ड इट. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में शेयर किया तो बहुत सारे पॉजिटिव कॉमेंट्स आए कि उन्होंने भी ये चीज ट्राई की और उनको अच्छा लगा. बकायदा मेरे कॉमेंट्स पढ़ सकते हैं. हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो मुझे लिख भेजो, मैं उसका वीडियो जरूर आपके लिए लेके आऊंगी. और मेरे न्यू बॉर्न बेबी के साथ अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं, लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग देखनी है मेरी, तो डू फॉलो मी ऑन मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, व्हिच इज माय व्लॉग चैनल. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस.